तो एनटीए ने बिहार ईओयू को लेकर अब तक कोई भी प्रश्न पत्र की कॉपी नहीं दी है। इस बीच ईओयू की जांच में इस कारण देरी भी हो रही है, जांच आगे बढ़ नहीं पा रही है। ईओयू ने प्रश्न पत्र इसको लेकर एनटीए को 3 रिमाइंडर्स भेजे हैं, लेकिन एक्शन हो नहीं पा रहा और प्रश्न पत्र न मिलने से जांच में देरी हो रही है, डिले हो रहा है। पटना पुलिस को जांच के दौरान खेमनी चक से नीट प्रश्न का जला हुआ एक अवशेष भी हासिल हुआ था। ईओयू टीम एनटीए से प्रश्न पत्र मांग रही है ताकि जो अधजले प्रश्न है उससे उसका मिलान हो सके। और प्रशांत झा हमारे साथ। प्रशांत, एनटीए ने अब तक ईओयू को कोई प्रश्न पत्र दिया नहीं है, जांच डिले हो रही है, अगला एक्शन प्लान क्या हो सकता है? प्रशांत, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 3 रिमाइंडर भेजे गए हैं एनटीए को, और ये कहा गया है कि उसके पास जो अभ्यास पुस्तिका मिली थी जिसमें मार्कशीट भी था, इसको मिलान करना है, क्योंकि इस पे जो नंबर होते हैं इसमें डिजिट होता है और वर्ड्स होते हैं। तो बिहार आर्थिक अपराध इकाई का ये कहना है कि वो डिजिट और जब तक उसको जो लेटर्स होते हैं वो अगर नहीं मिलेंगे तो वो पता नहीं कर पाएगी कि आखिर पेपर लीक कहां से हुए, बिहार से हुए, हरियाणा से हुए, गुजरात से हुए। इसकी जांच के लिए ये जरूरी है कि एनटीए की तरफ से उनको वो प्रश्न पत्र की पूरी कॉपी जितने सेट में है उसको उपलब्ध कराया जाए। लेकिन लगातार रिमाइंडर के बाद भी एनटीए इससे बचना चाह रही है। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आर्थिक अपराध इकाई जो लगातार मामले की जांच कर रही है, वो जितने छात्र हैं सबसे पूछताछ कर रही है, जो आरोपी हैं उनको रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है, वो जांच को आगे नहीं बढ़ा पा रही है कि आखिर पेपर लीक का जो मुख्य सरगना है, जो मुख्य आरोपी है, वो बिहार का है या यूपी का है या हरियाणा का है या दिल्ली का है, इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसके बिल्कुल प्रशांत, ईयू ने यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको लेकर 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जेंटल रिमाइंडर भेजा। ऐसे में किस तरीके से अपना बचाव करेगी एनटीए और कैसे अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी एनटीए, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें निधि की, अगर एनटीए अपने तरफ से यह अभ्यास पुस्तिका जिसको क्वेश्चन पेपर कहते हैं वो अगर दे देती है तो आप समझिए कि मामले का खुलासा हो जाएगा, और खुलासा में इसमें जो एनटीए के अधिकारी हैं वो भी जांच के दायरे में आ जाएंगे कि आखिर जहां प्रश्न पत्र छपे, जहां से प्रश्न पत्र को विभिन्न राज्यों में भेजा गया, जो नोडल एजेंसी थी, इसकी लीक कैसे हुई और कैसे पेपर को लीक किया गया, क्योंकि जो अभ्यास पुस्तिका पुलिस के पास अधजले हालत में मिले हैं उसमें साफ तौर पर 145 क्वेश्चनर वो पुलिस ने तैयार कर लिया है, आर्थिक अपराध इकाई ने तैयार कर लिया है। अब वो बाकी की जांच के लिए एनटीए से मदद मांग रही है, जेंटलमैन रिमाइंडर भेज रही है, लेकिन एनटीए ये समझ रही है कि जिस दिन उसको वो कॉपी दे दिया जाएगा एनटीए के कई अधिकारी इस जांच के दायरे में आ जाएंगे, उन पर फिर कार्रवाई हो सकती है। और हो सकता है, जो संभावना जताई जा रही है, कि इसी कारण एनटीए इस मामले को लेकर के लेंथी प्रोसेस में फंसा रहा है। इसको बिल्कुल इस लंबे प्रोसेस में एनटीए फंसा रहा है, शायद वो कंसीक्वेंसेस यानी नतीजे समझ रहा है कि ये जो पूरी डिले टैक्टिक्स हो रही है प्रशांत जा, उसका परिणाम क्या हो सकता है, और इसी के लिए डिफेंसिव मोड में आ चुका है एनटीए, इसीलिए इतना समय लिया जा रहा है, जेंटल रिमाइंडर के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, खुद बचाव करने की कोशिश में एनटीए लगातार है। प्रशांत झा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निधि। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो नीट का एग्जाम होता है तो उसके लिए जो बुकलेट होते हैं, मार्कशीट होते हैं, उसके सेम उसके ऊपर एक डिजिट होता है, डिजिट के बाद उसमें अंक होते हैं और कुछ कैपिटल लेटर होते हैं, जिससे ये तय होता है कि ये बिहार का है या पटना का है, इसको कहाँ जाना है, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको कहाँ जाना है। और जो पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने जो बरामद किया है अभ्यास पुस्तिका अधजले हालत में, जो अमित जो इसका एक आरोपी है उसके घर से मिला है, नीतीश के पास से मिला है, निचेक में मिला है, तो इन जगहों से जो उसको बरामद करके उसको एक सेप दिया गया है, तो उसमें कुछ डिजिट जो है वो अभी नहीं मिल रहे हैं पुलिस को, जिससे ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि ये आखिर कहां का ये। प्रशांत, नीट परीक्षा को लेकर जो एनटीए है वो लगातार सवालों के घेरे में, और इतने रिमाइंडर्स के बाद भी अगर एक्शन नहीं हुआ तो और सवाल बढ़ते नजर आएंगे और एनटीए की समस्याएं बढ़ सकती हैं। कुछ और अपडेट्स आएंगे प्रशांत जी, हम लौटेंगे आपके पास। और इस बीच आपको बता दें जो ग्रेस मार्क्स वाला विवाद है वो भी जारी है लगातार, लेकिन अब नीट पेपर लीक का मुद्दा और ज्यादा बड़ा होता हुआ, सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। कल बिहार में कई जगह पर नीट परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन देखे गए थे। छात्रों का आरोप है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और इसके विरोध में पटना में विरोध प्रदर्शन चरम पर रहे। टायर और
एनटीए के पुतलों को जला जलाकर छात्रों ने यहां पर अपनी नाराजगी को दर्ज करवाया। जाहिर सी बात है, छात्र चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं होती है और नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन और बढ़ सकता है, और उसकी एक बानगी इन तस्वीरों के तौर पर अपने प्रदर्शन को दर्ज करवाते हैं। इन छात्रों के इस पूरे प्रदर्शन में हम देख पा रहे हैं एनटीए लगातार सवाल के दायरे में है, और ये दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने, एनटीए के पुतले को जलाया गया, छात्रों ने नाराजगी को जाहिर किया और चेतावनी दी बार बार कि अगर नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं करोगे, नीट परीक्षा को रद्द नहीं करोगे तो आंदोलन और उग्र कर देंगे। तो छात्र जो है वो नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुरुवार को बयान दे चुके हैं कि नीट परीक्षा में किसी तरह की धांधली हुई नहीं है, भ्रष्टाचार या फिर पेपर लीक का कोई सबूत पुख्ता सामने नहीं आ पाया, पेपर लीक हुआ नहीं है और एनटीए एक बहुत ही विश्वसनीय निकाय है, यह भी कहा गया। लेकिन क्या वाकई में नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है? क्या गारंटी है कि जिस तरह से एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को लेकर एक बड़ा झूठ बोला, उसी तरह वो पेपर लीक को लेकर भी झूठ बोल रहा है? क्योंकि अगर हम नीट के पेपर लीक की बात करें, अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर पटना पुलिस ने नीट परीक्षा वाले दिन पेपर लीक की एफआईआर दर्ज क्यों करवाई? आप स्क्रीन पर पटना पुलिस की जो एफआईआर की कॉपी है वो देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रश्न पत्र लीक किया गया है। जिन 13 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया वो आरोपी भी कबूल कर चुके हैं कि पेपर लीक किया गया है। इसके अलावा एफआईआर में उन छात्रों के बयान भी हैं जिन्होंने कबूला कि पेपर लीक से पहले रात में ही बच्चों को बुलाकर उन्हें नीट में आने वाले सवालों के जवाब रटा दिए गए थे, और सारे सवाल हूबहू वही थे जो नीट के पेपर में शामिल थे। आज भी आप उस बात पर कायम है, कोई लीकेज नहीं हुआ है, कोई करप्शन नहीं हुआ इस मामले में, क्योंकि पटना में कार्रवाई चल रही है, गुजरात में कार्रवाई चल रही है, उसकी कोई प्रमाण नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि लीक नहीं, मैंने कल कहा था लीकेज की कोई प्रमाण नहीं है। बाकी एजेंसी सारा विषय कोर्ट के सामने रखेगा, अगर कुछ होगा तो सरकार भी उसको रखेगी, सख्त कार्रवाई होगी जो भी लोग पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, इसको आश्वस्त करना चाहूंगा, इसमें से अगर कोई भी व्यक्ति संश्लिष्ट होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। ज़ी न्यूज़।